नमस्ते बालाजी हिंदी दारों में, मैं कृष्णादास फिर से आ गई हूँ आप लोगों के स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेके जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या होगा। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ हो सकता है रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें बाकी छोड़ दे। ये कोई जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। 16 से लेके 22 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस, नाइट ऑफ वंड्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, नाइट ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द टावर, द डेविल, फोर ऑफ सोर्ड्स। आपके जो पर्सन है डेफिनेटली इनमें कुछ चेंजेस अभी आया है अचानक से, कुछ चीजों पर उनका जो एडिक्शन अट्रैक्शन, चाहे वो रिश्ते में, चाहे किसी के साथ सेक्स करने में, चाहे जुए में, चाहे शराब में, जो भी चीजों में उनका एडिक्शन था, मुझे लगता है कि वो एडिक्शन या तो बढ़ चुका है फिलहाल या फिर घट चुका है, जिसकी वजह से ये दर्द में है, परेशान में है। और रिश्ते की हिसाब से अगर मैं कहूँ आपके साथ, अगर इनका रिश्ता है, ये रिश्ता उनके लिए एडिक्शन है, एडिक्टेड है ये इस रिश्ते में पूरी तरीके से, लेकिन अचानक से ये एडिक्शन उनके लिए काम नहीं कर रहा है। या तो आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हो या फिर वो आपको अपने हिसाब से नहीं चला पा रहा है, या फिर रिश्ते में किसी और की एंट्री हुई है जिसकी वजह से रिश्ता खराब है और ये अचानक से हुआ है। ये पूरी तरीके से, मतलब क्या कहूँ मैं आपसे, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी प्रति और हो सकता है इन दिनों आपने उनको उस तरीके से कंट्रोल करके रखा है कि किसी भी हालत में ये आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से परेशान है ये बंदा। रिश्ते में प्यार कितना है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एडिक्शन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो परेशान है और उनको ये लग रहा है कि कोई और इस रिश्ते में आ गया है, जिसकी वजह से आप उनको वक्त नहीं दे रहे हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा,
ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स जजमेंट एंड एट ऑफ सोर्ड्स। आप तो पूरी तरीके से पागल हो इनके पीछे, आपको तो ये लग रहा है कि भाई किसी भी हालत में किसी भी तरीके से मुझे ये रिश्ता मिल जाए, ये रिश्ता मेरे लिए सब कुछ है, ये रिश्ता धीरे धीरे, जो भी जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो सजिटेरियस, आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता मेरा जन्मों का रिश्ता है, किसी भी तरीके से मैं इस रिश्ते को भूल नहीं पाऊंगा, मुझसे ये रिश्ता दूर नहीं जाना चाहिए, चाहे मुझे माफ़ी मांगना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये रिश्ता मेरे पास होना चाहिए। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, यही मेरे परिवार है, इनसे अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये सोचना सही है, क्योंकि आपके पास आपके बच्चे हैं। आपके पर्सन कितना भी कैसा भी हो, आपको उनके लिए ये सोचना पड़ेगा अगर आप शादीशुदा हो। लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पूरी तरीके से इनकी प्रति समर्पित हो, आपका प्यार और इनके प्यार में अंतर है, तो आप इनके लिए परेशान हो कि रिश्ते की वजह से यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो कि रिश्ता सही हो जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, चाहे माफ़ी मांगना पड़े मांगेंगे, बच्चों के लिए रिश्ता सही हो जाए। अगर आप, मैं बार बार ये कहूँगी, अगर आप शादीशुदा हो तो ये जो आप सोच रहे हो सही है, लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपके सोच को थोड़ा सा सब्र रख के सोचना पड़ेगा। ये कमिटमेंट देने वाला बंदा तो है नहीं, बंदा या बंदी जो भी है। देख लेते हैं आगे चल के आपके पर्सन की एनर्जी। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। देखो आप, मैंने पहले भी कहा सजिटेरियस, ऐसी स्थिति हमें बहुत बार पर्सनल रीडिंग में देखना मिलता है। ये मैं जो मुझे अभी महसूस हो रहा है, ये ज़्यादातर हमें पर्सनल रीडिंग में मिल जाता है, ऐसा कुछ कोई बात नहीं। ये पर्सन आपसे माफ़ी की उम्मीद करेगा आगे चल के, ये इंतज़ार कर रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ ये बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाएगा रिश्ते में, साथ ही साथ ये आपकी तरफ से माफ़ी की उम्मीद करेगा। जिस तरीके से आप उनके साथ पेश आ रहे हो, ये उससे खुश नहीं है, उनको और अच्छे तरीके से रिश्ते में आपके साथ रहना है, और ये उम्मीद भी कर रहा है या कर रही है कि आप ही उनसे माफ़ी मांगो। इधर आप तो खुद ही सोच रहे हो कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, ये आपके तरफ आएंगे 24/7, आप उनके लिए सोच रहे हो। कभी आपको ये लग रहा है कि आपको जाके माफ़ी मांग लेना चाहिए, कभी आपको ये लग रहा है कि बच्चों की वजह से ही आएंगे या फिर ये दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। तो ये आपके साथ दोस्ती करना तो चाहते हैं, जिनके बच्चे हैं बच्चों की वजह से आना तो चाहेंगे आगे चल के, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे इस हफ्ते, जब भी आपके साथ रिश्ते में ये आएंगे दिमाग की इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, दिल की कम। अगर ये आपसे माफ़ी मांगता भी है, लेकिन मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आपको माफ़ी मांगना चाहिए इनसे, क्योंकि उनको लगता है आपने गलत किया है उनके साथ। लेकिन ये एकदम मतलब बाहें पसारे आंखें खोल के आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप माफ़ी के साथ उनके तरफ आए, ऐसा ये करेंगे आगे चल के। देख लेते हैं आपकी क्या स्थिति रहेगी।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप तो स्टेबल हो भाई सजिटेरियस, फिर आप परेशान क्यों हो? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप स्टेबल हो पूरी तरीके से, फिर भी आपको ये बंदा या बंदी चाहिए, क्यों भाई? किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, किंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। सच में अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो आप जो जस्टिस की मांग कर रहे हो, कर्मा रिवील होने की मांग कर रहे हो, तो ये सही है। आप इस वजह से परेशान हो जाओगे कि आपको जस्टिस चाहिए, पैसे की प्रॉब्लम की वजह से चीजें खराब हो रहा था, तो आपको पैसे कमाना है, स्टेबल होना है, और ये आप हो भी, अभी भी हो, अभी भी आप कमा रहे हो, अभी भी आप स्टेबल हो, लेकिन फिर भी आप में स्थिरता नहीं है, आपके घर में स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है। रिश्ते को जस्टिस चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए। आपने जो कर्म किए हैं, आपको लगता है अरे मैंने तो अच्छा किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको उसका परिणाम चाहिए, क्योंकि रिश्ते आपके खराब हैं। आपके पास पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, आपके पास दिमाग भी है, ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं है, आप पूरे घर को संभाल के रख सकते हो, आप सबका ख्याल रख सकते हो, आप खुद अर्न कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको खुद के लिए जस्टिस क्यों चाहिए? क्योंकि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। डेफिनेटली मुझे क्यों लग रहा है बहुत सारे शादीशुदा लोगों का ही ये रीडिंग हो रहा है, हालांकि रिश्ते में थर्ड पार्टी हैं, लेकिन जो भी देख रहे हैं और जो उनका भी एनर्जी कैच कर रहा है, वो शादीशुदा लोगों को एनर्जी बहुत ज़्यादा कैच कर रहा है। आपको शादी चाहिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए, पैसे चाहिए, एक कंप्लीशन चाहिए आपको सजिटेरियस, और आपके पोर्शन जो है वो कुछ नहीं देगा आपको। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके लिए एनर्जी आ रहा है, या फिर आप नहीं दे रहे हो और उनको चाहिए, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। अगर शादीशुदा हो तो भी नहीं, शादीशुदा नहीं हो तो भी नहीं, ये पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट, कंप्लीशन नहीं दे सकता। सिर्फ जरूरत के रिश्ते कहो आप, या फिर अपने हिसाब से, अपने मर्जी से रिश्ते चला सकता है या चला सकती है ये बंदा या बंदी, जब मन करे चले आए, जब मन किया चले गए। देख लेते हैं आउटकम, इस हफ्ते तो ऐसा ही रहेगा। आप जस्टिस की मांग करते रहो, लेकिन जिनसे कर रहे हो, आप किससे कर रहे हो ये भी देखना पड़ेगा। आप करोगे, आप वो उस मूड में नहीं है। आगे चल के देख लेते हैं आउटकम क्या बताता है, क्या इनके दिल पिघलेंगे आपके लिए। द मैजिशियन, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करने दीजिए। जस्टिस के कार्ड भाई दो बार आ गए, मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था, पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए थे, अभी किंग ऑफ वॉन्ड्स। जस्टिस, जस्टिस का कार्ड पहले भी आया था, मैं दिखा दूं आपको, जस्टिस का कार्ड पहले भी आया था, और जस्टिस
किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर। रिश्ते में बहुत ज्यादा माइंड गेम मैनिपुलेशन होगी, रिश्ते किसी एक के हिसाब से चलेंगे, अचानक से कुछ ऐसा होगा जिसके बाद जबरदस्ती से कहो ना चाहते हुए कहो जस्टिस करना ही पड़ेगा और जस्टिस होगा भी इस रिश्ते में, वरना यूनिवर्स जबरदस्ती जस्टिस करवाएगा। कितने बड़े आप तीस मार खाओ, कुछ भी करने की कोशिश करो, कितना भी माई वे या हाई वे टाइप की एनर्जी आपका हो या फिर आपके पर्सन के हो, सबसे बड़ा जो तीस मार खा है वो तो वो है ऊपर वाला, तो जस्टिस मिलने जा रहा है। अचानक से ऐसा कुछ होगा और होना भी जरूरी है, उसके बाद जस्टिस मिलेगा। जिनके साथ भी इनजस्टिस हुआ है इस रिश्ते में, उनको जस्टिस मिलने जा रहा है। आप खुद को बहुत बड़ा मैजिशियन समझ सकते हो, बहुत बड़ा तीस मार खा समझ सकते हो, लेकिन कर्म कहाँ निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जाओ, जो आपने बोया है वही आपको भोगने पड़ेंगे। अगर आपने अच्छा किया है तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा, अगर आपने बुरा किया है तो आपके साथ बुरा होगा, ये मान के चलिए। कितना भी आप खुद को बहुत ज्यादा समझदार, इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट, लोगों में उठने बैठने वाला बड़ा बंदा, सम्मानित मानते हो, लेकिन साथ में कर्म जब आप करते हो तब तो और कोई नहीं देखता है, ये भगवान देखता है और आप जानते हो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो अच्छे परिणाम आप जरूर भोगतोगे, अगर कर्म बुरे हैं कर्म कहाँ निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो डेफिनेटली जस्टिस होने जा रहा है किसी के साथ। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं आपको। देखो फिर से कार्ड आया है जस्टिस का, ये उस कॉम्प्रोमाइज बैलेंस, ये लिब्रा का भी कार्ड है और जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है आपके पर्सन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। यू आर रेडी, मुझे लगता है सेजिटेरियस आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। बहुत अच्छी कॉम्प्रोमाइज, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यू आर रेडी, आप अभी तैयार हो, रिमेन पॉजिटिव, आपके लिए चीजें सही होने जा रहा है, बैलेंस होने जा रहा है। थोड़ा सा दिमाग को कंट्रोल कीजिए, चीजों में अगर थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े कीजिए, पॉजिटिव रहिए, चीजें सही होने जा रहा है, आप तैयार रहिए। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।